वेलकम टू वाले ऑप्शन और जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक स्टूडेंट रिव्यू की सीरीज चलती है जहाँ पे कोई कॉलेज का स्टूडेंट अपने कॉलेज के बारे में बताता है तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ है दीपक शुक्ला और वो अपने कॉलेज के बारे में बताएंगे बेसिकली मैं उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेन इंट्रोडक्शन तो वही देगा अपना तो दीपक शुक्ला ने अपनी जो बी अभी कर रहे हैं वो फिलहाल हमारा एन जयपुर से कर रहे हैं जिसको हम लोग एम जयपुर के से जानते हैं तो यार दीपक पहले तो यार अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो तो बच्चों को थैंक यू सूरज भाई मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो हैवरी वन मैं दीपक शुक्ला अभी एन जयपुर से सेकेंड ईयर में हूँ मतलब बी कर रहा हूँ और अभी एक छोटा सा चैनल आई आई एन आई ब्रदर्स पे हम आते रहते हैं और सूरज भाई से कंटेक्ट हुआ फिर आपके पास आए हैं तो यार बेसिकली मैंने जो दीपक का चैनल देखा था वो कुछ टाइम पहले देखा था और मैंने देखा कि ये क्या भाई ये दो भाई है साथ में हम दोनों की दादा हम दोनों भाई, अब कॉलेज के कार्य में बताते हैं वैसे यहाँ पे दो भाई बता रहे हैं तो इसी लिए मैंने कहा कि इनसे तो यार कोलेब करना ज़रूरी है क्योंकि ये भी दो भाई है हम भी दो भाई है बिल्कुल तो बातचीत हुई थी हमारी तीन चार महीने पहले और मैंने सोचा था उसी समय की वीडियो आई कि हमने बातचीत भी की थी प्लान किया था मगर वीडियो उस समय आ नहीं पाई थी मगर अब हमारी वीडियो में कोई इतना इशू नहीं रहेगा इस वीडियो में हम लोग जनरली कॉलेज के बारे में बात कर रहे हो और मैं एक और को प्लान कर रहा हूँ जल्दी जो एक और को आएगी उसमें काफ़ी डिटेल में काफ़ी चीज़ें पूछी जाएगी तो वो आने वाले कुछ एक मंथ के अंदर वो कॉलैब मैं प्लान कर रहा हूँ तो देखते हैं उसको पहले इस वीडियो को देखते हैं इसमें मेन कॉलेज के बारे में जानेंगे मगर यार पहले मैं छोटा सा अपने ये बताता हूँ कि अब तुम्हारे भाई के बारे में बताओ अपने भाई का भी एक इंट्रोडक्शन दे दो। ओके, तो अभी मेरा छोटा भाई है वो आईआईटी रुडकी से बीटेक कर रहा है मयंक शुक्ला हाँ तो वो हम दोनों साथ में ही प्रिपरेशन किए थे कोटा में तो एक साथ कॉलेज मिला फिर चैनल स्टार्ट किए एक साथ तो आपकी तरह ही सेम कंडीशन रही है हमारी भी हाँ, से... सेम ईयर में, हाँ, में हम भी हैं सेम ईयर में आप भी थे हम भी सेम ईयर में थे ये भी सेम ईयर में थे हम भी दो कॉलेज में अलग अलग कॉलेज में गए तो ये भी दो अलग अलग कॉलेज में गए तो ऐसे ही है तो यार अब मुझे ये बताओ पहले तो मुझे अपने भाई के बारे में बताओ कि तुम्हारे भाई से घर में कैसे कंपैरिजन किया जाता है क्योंकि मेरे घर में हम दोनों का कंपैरिजन तो होता है तो तुम दोनों का कंपैरिजन होता है कि नहीं होता अरे यार बिल्कुल ये एक छोटा सा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है अगर मैं कहीं समाज में गया तो उसे लोग बोलते हैं कि हाँ ये माइंडेड है इसकी वजह से मैं हुआ हूँ ऐसा होता है कि वो आई <laughs> में पहुँच गया मैं अभी एन <laughs> <NIT> में हूँ <laughs> तो ये मतलब थोड़ा सा होता है पर मतलब हाँ हंसी खुशी में निकाल देते हैं मज़ा भी आता है सुन कर के कभी कभी हंसी भी आती है कि हाँ ऐसा होता है और मैक्सिमम लोगों को पता नहीं रहता है ना कि मतलब जेई एडवांस का सिर्फ दो चांस होते हैं ना तो हम तीसरे चांस में थे तो हमें तीन चांस मिला नहीं और मैं को मिला था उसने उसका पूरा दूसरे साथ चांस में फायदा उठाया तो मतलब थोड़ी सी कभी कभी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है पर वो हंसी खुशी में मजे में निकल जाती है तो आप लोगों के साथ कैसा होता था आ, मैं मुझे लग रहा है कि ये वीडियो मेरे भाई को शूट करनी चाहिए थी क्योंकि वो ये डायलॉग सेम मारे होते हैं तो हाँ मगर अब चलो मैं शूट कर रहा हूँ तो हमारे बीच में भी यार कंपैरिजन होता है मगर ऐसा नहीं होता कि मम्मी कहते कि अच्छा है वो बड़ा मम्मी कहते दोनों के दोनों न लायक है जब देखो फोन पे लगे रहते हैं लोगों से बातचीत करते रहते हैं यूट्यूब पे लगे रहते हैं दोनों के दोनों न लायक <laughs> तो उनका ये रहता है हमेशा तो तब भी किसको ज्यादा सपोर्ट मिलता है सपोर्ट किसी को ज्यादा नहीं मिलता <laughs> दोनों सेम ही एक जैसे अच्छा। एक किसी को कुछ नहीं होता नहीं। दोनों के लिए सेम है मम्मी से ऐसा कुछ होता नहीं मम्मी हाँ, ये समझदार है ये वो है कभी इसकी तारीफ होती है कभी उसकी तारीफ होती है 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 तो ऐसे चलता रहता रहता ये ये होता रहता है। किसी फील्ड में आप आगे होंगे किसी फील्ड में वो आगे होंगे तो अब ये बताओ कि कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ कि तुमने अभी जितना कॉलेज में टाइम हुआ है तो कॉलेज लाइफ कैसे जा रही है तुम्हारी अभी फिलहाल तो बेसिकली फर्स्ट ईयर की बात करें तो इसमें भी वो कम्पेरिजन वाली आपने बात की थी ना तो यहाँ पर भी कंपेयर होने लगता है ना कि मैं का करके अपनी वीडियोस दिखाता है कि मैं इतने हाई कॉलेज में मेरा इतना अच्छा अच्छा वीडियोज़ इतने अच्छे अच्छे अच्छा प्रोग्राम होते हैं मुझे थोड़ा सा उस फील्ड में मतलब अगर कोई भी सिंगर या फिर फेस्ट होते हैं ना तो उसमें कोई सिंगर इसके हाथ थोड़ा छोटा है मेरे हाथ थोड़ा बड़ा है ना तो मैं अपना फुल ट्राई करता हूँ कि इस चीज़ में इसे पीछे कर ले जाना है तो सेम कॉलेज लाइफ तो उसका अपना अलग रहता है हमारा अलग रहता है और मैं एम एन आई टी जयपुर की पर्सनली बात करूँ तो एकदम मतलब जैसा सोच कर गए थे वैसा ही था बट इनिशियल के डेज में कुछ दिन लगातार एक महीने तक क्लासेस चली ना कोई फेस्ट था ना कुछ था तो थोड़ी सी लड़के गाली देते थे कि जो भी उनको बोलता था कि जे के प्रिपरेशन के टाइम के चले जाओ कॉलेज में बहुत अच्छा वहाँ की लाइफ होता बहुत अच्छा होता है तो यहाँ पर एक महीने इनिशियल में कुछ हुआ ही नहीं तो वो डायरेक्ट बोलते थे साले हमको बना दिए सी बना दिए <laughs> कॉलेज में भेज करके यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है तो इसके बाद लेकिन फेस्ट आना स्टार्ट होते ना तो बल्क में लगातार आ रहे हैं लगातार आ रहे होते हैं पर वीक में एक एटलीस्ट होता रहता था तो मतलब अभी लास्ट ईयर तक अभी तो कोविड है लास्ट ईयर तक एकदम मस्त सिर्फ वो एक महीना को छोड़ दें तो एकदम खतरनाक कॉलेज लाइफ रहती थी दोस्तों के साथ या फिर जिस भी फील्ड में आप चाहेंगे जानना चाहेंगे वो सारी फील्ड में एकदम इंटरेस्टिंग था खेल में जाना है तो खेल में मतलब हर फील्ड में हुँ। हुँ। तो यार मुझे इससे याद आ गया जब तुम ये बात बता रहे हो हाँ। तो बेसिकली ये था ना कि मेरा भाई और मेरा क्योंकि तुम्हारा देखो आई आई टी और एन आई टी है हाँ। तो भले ही आई आई टी एन आई टी हमारा जयपुर एक काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है टॉप में मानते हैं एन आई टी में हाँ। फिर भी मतलब ये कि यार आई आई लोगों को पता है कि यार आई टी आई टी, टी मगर हमारे केसेस में कहता था डी और ट्रिपल आई टी है तो हम दोनों का कंपेरिजन हमारा पूरा चार साल इसी चीज़ में चलता है पहले नहीं चलता था कि वो कहता था मेरा कॉलेज अच्छा मैं उस मैं बोलता था तेरा कॉलेज बेकार है इस चीज़ में हम दोनों एक दूसरे को ना नीचे दिखाने में लगे रहते थे कॉलेज को कि कॉलेज बेकार है इस चीज़ में ये कमी है ये सब चीज़ें है और कभी अगर मेरी अम्मी भी बोलती थी कभी मेरे कॉलेज के सपोर्ट में आती थी कभी मेरे भाई के कॉलेज में कि फीस इसकी सस्ती है तो मेरे भाई की तारीफ़ कर देती है कहते थे यहाँ पर मगर ये लगा रहता है कॉलेज का

डिपार्टमेंट डे नाम से जाना जाता है तो इनिशियल सबसे पहले मैकेनिकल का हुआ था मैकेनिकल का डिपार्टमेंट डे फिर इसके बाद सिविल का डिपार्टमेंट डे केमिकल का जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और शाम चार पाँच बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होता था और रात के दस ग्यारह बजे तक और उसमें खाना वाना सब कुछ मिलता था हाँ जो स्पेसिफिक किसी मतलब आज सिविल का है तो आज सिर्फ सिविल के स्टूडेंट्स ही खाना पाएंगे और कोई नहीं पाएगा हाँ बट डीजे जो चलता है उसमें एक एंजॉय जो करना है वो आकर के किसी भी ईयर के किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स आकर कर सकते हैं फिर इसके बाद धीरे धीरे अच्छा आता है कि धीरे धीरे आता है एक अपना टेक्निकल फेस्ट स्प्रिंग्स नाम से बुझानते हैं हम <laughs> वो तीन दिन का तीन दिन तक रहता है तो उसमें भी शाम को कल्चरल नाइट होती है और बाकी बाहर के कॉलेज आकर के टेक्निकल फील्ड्स में जो भी रोबोटिक्स या फिर जो फील्ड अदर फील्डस हैं यहाँ तक गेम का भी कंपटीशन होता है ना मतलब भी तो जानते ही होंगे कॉलेज में मैं व्यूवर्स को बता रहा हूँ गेम का भी कंपटीशन होता है आप पबजी उस टाइम तक बैन नहीं था तो पबजी था सी था मतलब खेलो यार मज़े करो उसमें भी तो इसके बाद स्प्रिंग्स इस तीन दिन के बाद स्प्रिंग्स खत्म होता है तो फिर एक ऐसा आता है कि डिपार्टमेंट टूर करके मतलब डिपार्टमेंट वाइज जयपुर एक अच्छी सिटी भी है ना मतलब घूमने लायक हिस्टोरिकल सिटी है तो उसका भी टूर अगर हम करें तो तीन चार दिन तो कम ही पड़ेगा कंटिन्यू अगर हम करते रहें पर अगर स्टूडेंट्स के ग्रुप में अगर हम जा रहे हो कॉलेज की साइड से तो उसका कुछ और ही मज़ा होता है ना कहीं हमें पैसे नहीं देने पड़ते कॉलेज की अपनी खुद की बस होती है हाँ तो आई डी कार्ड अलग से होती है उस जो। हाँ हाँ तो वहाँ पर हर संडे संडे को लेकर के सारे डिपार्टमेंट वालों को दो दो डिपार्टमेंट को लेकर के जयपुर की टूर करते थे चार पांच जगह पर जो वहाँ के सबसे फेमस होते थे जैसे नाहरगढ़ फोर्ट हो गया फिर यार मुझे नाम नहीं याद है मैं कम घूमा हाँ।, 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 हाँ मतलब ये मैंने पहली बार वैसे सुना है कि डिपार्टमेंट वाइज फ्रेशर पार्टी हो रही है हाँ। और कुछ चेकिंग वगैरह होती थी क्या वहाँ पे और ना क्योंकि मेरे जैसा बंदा हो यार मैं तो यार डिपार्टमेंट में घुस के मैं फ्रेशर पार्टी में भी हर एक डिपार्टमेंट में चले नहीं चेकिंग नहीं होती थी चेकिंग बस खाने के लिए होती थी और बाकी सब चीज फ्री रहता था अरे वो तो मैनेज हो जाएगी चेकिंग वो तो दोस्तों का बिल्कुल वो उनकी प्लेट से निकाल लो तो और अब बात कर लेते लोकेशन की कॉलेज का फिर लोकेशन बता दो क्योंकि तुम बता रहे थे अभी लोकेशन वगैरह सब बता रहे हाँ, थे तो लोकेशन बता दो कॉलेज का लोकेशन कैसा है हाँ कॉलेज का लोकेशन अगर हम ये जो दिया होता है ना वेबसाइट में रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट इन सब के हिसाब से बात करें तो ये जयपुर जंक्शन से दस किलोमीटर पंद्रह किलोमीटर के रेंज में है आराम से जयपुर जंक्शन जंक्सन पर आ करके हम कोई भी कैब या फिर कुछ भी बस से निकले तो आराम से आधे घंटे में पहुँच जाते हैं कॉलेज और इसके जस्ट दो किलोमीटर पे ही दो रेलवे स्टेशन है एक का नाम नहीं मुझे नाम नहीं मुझे मालूम है दूसरा जयपुर गांधीनगर रेलवे स्टेशन है तो बेसिकली मैं जब अच्छा। यहाँ से निकलता हूँ दिल्ली से मतलब मेरठ से तो जयपुर गांधीनगर ही रुकता हूँ तो दो किलोमीटर उधर है और बात रही एयरपोर्ट की यार तो एयरपोर्ट एकदम जस्ट बगल में ही है तो ये देखा जाए तो हमारा सिटी के बीचों बीच एकदम सिटी के आसपास है बिल्कुल और ये जैसे ही एयरपोर्ट मतलब अगर शाम को हम टहलने निकल रहे ना तो मतलब लगता है कि सिर के ऊपर से एरोप्लेन जा रहे हैं एकदम जस्ट बगल में कॉलेज का जैसे हाँ वो ख़त्म होता है फिर एयरपोर्ट वाले सिस्टम स्टार्ट होते हैं और बात रही लोकेशन तो एकदम मिड में और जस्ट बगल में एक डब्ल्यू करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है तो उधर काफ़ी ज़्यादा अच्छी एकदम लगता है कि कोई बढ़िया सिटी में अच्छी फील आती है वो एकदम न्यू डेवलप एरिया है आ, कॉलेज के जस्ट बगल में तो वो काफ़ी ख़तरनाक एरिया हो जाता है तो वहाँ पर लड़के पार्टी करने के लिए जस्ट बगल में कॉलेज क्रॉस करते ही एक अच्छा रहता है कि पार्टी वार्टी करनी है दोस्तों के साथ वहाँ कर सको ठीक है और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बता दो डेवलपमेंट की बात चली रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बात कर आ, लेते हैं कॉलेज का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो अभी बेसिकली आ, आप लोग जानते होंगे कि विवेकानंद लेक्चर थिएटर वी एल टी सी जो एशिया में सबसे बड़ा लेक्चर थिएटर है लेक्चर कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर पाँच हज़ार से भी ज़्यादा स्टूडेंट एक साथ बैठ कर के क्लास कर सकते हैं कैपेसिटी सूरज भाई ऐसे पता लगा सकते हैं कि उसी लेक्चर कॉम्प्लेक्स में एम जयपुर के भी लड़के रहते हैं और एन उत्तराखंड के भी एन आई टी उत्तराखंड के भी पढ़ते हैं उसी में और ट्रिपल आई कोटा के भी पढ़ते हैं मतलब और फिर भी रूम्स उसके खाली रहते हैं तो उसकी कैपेसिटी देखिए तीन तीन कॉलेजों के स्टूडेंट्स को बैठा कर रखा है फिर भी खाली अभी रूम बचे हुए हैं उसमें तो काफी खतरनाक तो और जैसे तुम कह रहे हो एन उत्तराखंड के बारे में बता रहे हो तुम हुँ? तो ऐसा है कि क्योंकि मुझे इतना पता है कि ट्रिपल आई कोटा हमारा एन जयपुर के अंदर अभी है और हुँ? अगले चार पांच साल में भी शायद वहीं पे रहेगा हाँ, अभी तो उत्तराखंड के अभी वहीं पे है क्या अभी हाँ, तुम बता रहे हो क्योंकि ये मैंने इससे पहले पता नहीं था मुझे हाँ हाँ वो वहीं पर था जस्ट वो हमारे नए हॉस्टल को भी कैप्चर करके रखे थे तो अभी जस्ट उनका अच्छा अभी जस्ट उनका वो हुआ है वो जा रहे हैं अपने कॉलेज में कैंपस मिल गए उनका और वो मतलब शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे ठीक है और हॉस्टल वगैरह कैसा है हाँ, जब रूम वगैरह हॉस्टल की बात हुई तो हॉस्टल तो हाँ, बता दो हॉस्टल हाँ, भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो हॉस्टल की बात करें तो लगभग आठ से दस नहीं लगभग ग्यारह हॉस्टल हैं टोटल तो जिसमें से हॉस्टल सात तक ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं और बिल्डिंग्स हैं तो वो पत्थरों की बनी हुई हैं टोटली बाहर से पूरा दिखने पर लगेगा एकदम जैसे लगेगा कि हाँ थोड़ी सी आने के बाद लगेगा मुझे यहाँ नहीं रहना है बट अंदर जाने के बाद तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और रूम टी शेप में होता है ना कि जैसे टी शेप में जो टी का ऊपरी सिरा होता है ना उधर से मेन एंट्री होती है दरवाजा के फिर एक टी की दूसरे साइड और दोनों साइड और लास्ट में ये तीन अलग अलग एक मतलब फर्स्ट ईयर के लिए एक कमरे में तीन लोग रहते थे तीनों का अलग अलग कंपार्टमेंट टाइप में हो जाता है एक ही कमरे में मालूम नहीं पड़ता है किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है अगर किसी कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो वो अपने सामने जस्ट पर्दा लगा ले तो उससे अगले को डिस्टर्ब नहीं होगा ये तो हॉस्टल सात तक ऐसी बात हुई फिर इसके बाद एक हॉस्टल आता है अरविंदो एक गंगा गंगा ही ट्रिपल आई टी कोटा और एनआईटी उत्तराखंड के स्टूडेंट द्वारा कैप्चर किया हुआ है एक बार हम लोग गुस्सा भी हुए थे कि मतलब हम अभी कबाड़े हॉस्टल में रह रहे हैं इनको अच्छे वाले हॉस्टल दे दिए हमारे हॉस्टल ख़राब कर रहे हैं ये लोग तो और जो अरविंदो है उसमें सीनियर रहते हैं फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट और हाँ अभी जस्ट नया एक हॉस्टल बनना स्टार्ट हुआ है शायद उसका नाम अरावली है साढ़े छः सौ लड़कों का वो कैपेसिटी लेकर बन रहा है अभी नया स्टार्ट हुआ है और अच्छा। लड़कियों के लिए एक गार्गी हॉस्टल है वो काफ़ी बड़ा है तो उसी में ब्लॉक वाइज डिवाइड कर रखें तो वहाँ पर लड़कियों का हो जाता है तो तुम तुमने बिनकी बात कर ले तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो भी बता दो तुम कि कितना है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कॉलेज के अंदर मतलब मुझे उतने कंफर्म नहीं आता बट मैं अपने क्लास के हिसाब से बताता हूँ मेरे क्लास में बीस लड़के थे और शायद पांच लड़कियाँ थी पांच से छः हाँ पांच लड़कियाँ थी

हाँ तो स्पोर्ट्स की बात करें तो मैं इंटरेस्टेड था क्रिकेट में तो जाते ही कॉलेज में क्रिकेट के टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए ब्रांच वाइज स्टार्ट हुए थे तो उसमें भी भर भर के लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड बस एक कमी है थोड़ी सी कि अगर एक टाइम पे कॉलेज फुटबॉल करवा रहा है और उसी टाइम पे मैच क्रिकेट तो करवाना चाहे हाँ तो ये चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि ग्राउंड तो काफ़ी बड़ा है बट गेंद बॉल होती है उससे चोट लगने की प्रॉब्लम होती है समस्या होती है ना आगा। 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 हाँ तो ग्राउंड में एन इलाहाबाद में भी गया था एक बार दोस्त के साथ और और मैं एन जयपुर में खुद ही रहता हूँ तो फिर दोनों का कम्पेरिजन किया जाए तो मतलब कह सकते हैं नो कंपेयर बिल्कुल कंपेयर ही नहीं है दोनों में एन जयपुर का इतना अच्छा है और वहाँ पर अभी हम लोग जब गए थे ना तो अंडर सिक्सटीन इंटरनेशनल मैच हुआ था साउथ अफ्रीका वर्सेज़ इंडिया का तो वहाँ प्लेयर आकर के हम लोगों के ग्राउंड में खेले भी थे और बाकी अच्छा, तो एन जयपुर का अच्छा बता रहे हो तुम यहाँ उसके अलावा एन आई एनआईटी जयपुर का अच्छा हाँ और बाकी जिस भी खेल में अच्छे है तो फिर उसमें भी जाकर खेल सकते हैं कबड्डी है खो 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 पता नहीं यार कोको का नहीं मालूम है पर कबड्डी और मतलब सारी टेबल टेनिस और टेनिस बैडमिंटन बैडमिंटन का कोर्ट अलग है तो सार, वॉलीबॉल वाल, सारी चीज़ें हैं मेरे पास अगर फुटेज हुई तो मैं आपको भेजूँगा ठीक है तो हम लोग अब बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी खेल होते ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो चुकी है तो अब हम लोग मेन जो बच्चे होते हैं हमारे पढ़ने वाले उनकी बात करते फैकल्टी का हैं फैकल्टी के बारे में बात करते हैं कि फैकल्टी कैसी है मतलब जिनसे इंट्रैक्शन हुआ है हाँ। तो इंट्रैक्शन वाइज कैसी है फैकल्टी तो यार बेसिकली अगर फैकल्टी की बात की जाए तो मैं जब फर्स्ट फर्स्ट ईयर में था तो उस टाइम तक मेरे जितने भी टीचर मिले थे यहाँ तक मुझे मैम मतलब सपोर्ट टीचरों का अगर सपोर्ट उनकी बात करें तो वो पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी होते थे कि ऐसा आप लोग मूवीज़ में या फिर कहीं शॉर्ट मूवीज़ बनती है तो हम लोग देखते हैं ना कि बहुत क्रूर टीचर है डायरेक्ट ऐसे छोड़ कर चला जाता है यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है मुझे इंग्लिश की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी और अभी भी होती है तो मैं इंग्लिश की मैम से पर्सनल टाइम पूछता था तो वो एक घंटे का पर्सनल टाइम निकाल करके सिर्फ मुझे अकेले स्टूडेंट्स को बुला करके वो पढ़ाती थी और अगर इसी प्रकार बात करें मुझे कोई डाउट सॉल्व करना है या पेपर में मेरे नंबर कमाए मुझे कॉपी देखनी है तो पूरी क्लियरिटी रहती है तुम अपनी कॉपी देखो टीचर के साथ बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो तुम्हारे क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है एकदम मतलब खुला अभी भी मेरी प्रोफेसरों से भी बात होती है तो वो लोग लगता ही नहीं है कि जस्ट हम एक प्रोफेसर हैं वो स्टूडेंट है एकदम मतलब वो अपने बेटे की तरह बोल सकते हैं कुछ कुछ होते हैं ना प्रोफेसर वो इस टाइप के और बाकी हाँ। कुछ लोग होते हैं जो मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अपवाद टाइप में होते हैं ना तो वो उनकी बात हम नहीं कर सकते वो बहुत ही वो तो हर जगह मिलते हाँ। हैं तुम्हें उनकी बिना स्कूल में हो कॉलेज में हो हर जगह मिल जाते हैं उनके बिना इंजीनियरिंग कॉलेज सुना रहेगा लड़कों की थोड़ी सी मस्ती कम हो जाएगी ना उनके बिना थोड़ी उन्हीं के ऊपर तो, बनास का सुना तुमने बोल दिया तो ये बता तो बैक मिली है तो नहीं मिली <laughs> क्योंकि बैक के बिना भी कॉलेज नहीं, नहीं, ये तो आती हाँ मतलब मेरी इंग्लिश में जस्ट एकदम बची थी मतलब साढ़े नौ नंबर पासिंग मार्क था साढ़े नाइन क्या बोलू उसके नाइन हाफ पासिंग मार्क था पॉइंट फाइव और मेरा जस्ट टेन आया था ये मिड सिम की बात है इसमें थोड़ी डर लगी बट जैसे इन सिम आया तो मैंने मैम से टाइमिंग ले करके उसे इम्प्रूव किया और फिर उसको काफ़ी अच्छा ले गया फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं है ग्रेड फिर अच्छी चढ़ गई और बाकी कुछ लोगों के लगे अभी है। तो है टाइम हाँ, हाँ। क्योंकि अभी तो तीन साल है बैक अभी तो बचा हुआ है टाइम अभी तो लड़ना ही है और एक हाँ वहाँ का ग्रेडिंग सिस्टम ऐसा है कि ना आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता होगा कि रेफरेंस uh, देखते हैं अगर कोई लड़का तीस नंबर पाया है और मतलब टॉपर की स्कोर तीस हाँ रिलेटिव मार्किंग हाँ। होती है कॉलेज के अंदर तो कुछ कोर्सेज में होती है हमारी रिलेटिव मार्किंग भी होती है एब्सोट मार्किंग भी होती है रिलेटिव हाँ। मार्किंग में वही होता है कि टॉपर के हिसाब से या एवरेज के हिसाब से अरेंज किया जाता है मार्क्स तो वो होता है किसी किसी कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है इंस्ट्रक्टर के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली वो सारी चीज़ें तब हम लोग बात करते हैं कॉलेज की स्कॉलरशिप वगैरह की फीस तो लोगों को पता होता है तो स्कॉलरशिप वगैरह क्या क्राइटेरिया है कि हम लोग स्कॉलरशिप कैसे ले सकते कॉलेज के हाँ कॉलेज की स्कॉलरशिप के लिए एक अलग से सेल रहता है और एम एन आई की वेबसाइट पे मेंशन है जब मैं मतलब पढ़ रहा था तो उस टाइम पे मुझे दिखा था कि लगभग 40 स्कॉलरशिप अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए इनमें से आप किसी में भी अप्लाई करें सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है तो अप्लाई करके वहाँ सेल में जा करके बताना होता है वो हेल्प कर देते हैं आराम से तो स्कॉलरशिप की भी प्रॉब्लम नहीं होती है जी हाँ हम्म हम्म तो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का भी बता प्लेसमेंट के, हाँ। के तो बारे में कॉलेज का अभी अभी प्लेसमेंट चल रहा है ये फोर्टी प्लस काफी लड़के लगभग चार या पांच चार लड़के एटलीस्ट हाँ मिनिमम चार लड़के फोर्टी प्लस लाख का पैकेज लेकर गए और बाकी यार इस बार तो कोविड अच्छा, का टाइम है ना सूरज भाई तो थोड़ी हुँ, सी हुँ, ये कोर ब्रांचेज काफी हाँ कोर ब्रांचेज वालों को प्रॉब्लम आई है क्योंकि उनका कॉलेज ओपन होने के बाद ही प्लेसमेंट होता है तो अभी जस्ट हमारा कॉलेज ओपन ही हुआ है फाइनल ईयर वालों के लिए तो उनके प्लेसमेंट अब शायद बढ़े हैं हाँ और बाकी थोड़ी सी कम थे और एवरेज लगभग आठ लाख प्लस ही है हाँ तो वही मतलब जो डाटा सामने वेबसाइट पर आता है वही हमें भी पता चल पाता है ठीक है हाँ वो मेन कॉल जो प्लेसमेंट का रियलिटी होती है ना हाँ। वो चीज़ें हमें फाइनल ईयर में आने के बाद है हाँ। ऐसा होता है कि नहीं होता बिल्कुल है तो ट्रिपल आईडी का मैं प्लेसमेंट का एक सिनेरियो में बाद में शेयर करूंगा अपने चैनल पे इसके ऊपर बात करेंगे कि कुछ डाटा होता है वो एक्यूरेट होता है नो डाउट मगर कुछ चीज़ें है कि लोगों को पता नहीं होती वो रियल है सब कुछ मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीजें भी होती है जो लोग देखते नहीं है सिर्फ देख लेते हंड्रेड प्लेसमेंट रेशियो तो उस चीज़ को मैं क्लियर करूंगा किसी दिन बैठ के ये क्या सीन होता है हमारा एक्चुअल में प्लेसमेंट का बाकी यार प्लेसमेंट तो देखो अभी कोर ब्रांच में हर एक की डाउन हुई है हाँ। के बात की जाए तो काफ़ी गंदी हालत है मतलब गंदी हालत नहीं बोली कि मैं पहले से कुछ डिक्लाइन हुआ है ठीक है बिल्कुल, तो हर कॉलेज का हो कोविड में तो यार कोर की बात करूँ या सी एस वगैरह ब्रांच की भी हमारी कम हुई है कंपनी वालों ने पैकेज कम किया कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने रिवोक कर दिया प्लेसमेंट की जिनको पहला ऑफर मिला था तो उनको मना कर दिया कुछ लोग अभी भी होल्ड पे तो ये सब हुआ है कोविड कारण मगर ये एक दो साल की बात है उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा वैसे भी इंडिया का पता हाँ। है सुपर पावर में आने वाला तो सब कुछ चीज़ें सही हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल तो अब हम लोग बात करते हैं कॉलेज के प्रॉस और कॉन्स के बारे में तो तुम बताओ कॉलेज की पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ बता दो और फिर नेगेटिव पॉइंट भी बात करेंगे जल्दी रैप अप करते हैं वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है वीडियो पॉजिटिव पॉइंट में बात करें अगर एकेडमिक्स से रिलेटेड तो स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर से ही सॉफ्टवेयर बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं लोग जैसे मेरा भाई जब रुडकी में है तो उसे वो स्केचिंग पेन पेपर पर करना पड़ता है जो इंजीनियरिंग ड्राॅइंग सब्जेक्ट है ना तो हमारे यहाँ बट ये सॉफ्टवेयर पे चलता है ये तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा है कि फर्स्ट ईयर से ही आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड नॉलेज देने देन लगते और बाकी दूसरी चीज़ लगभग जितने कॉलेजेज होते हैं सबके फर्स्ट ईयर में वो रिस्ट्रिक्शन होती है ना कि कॉलेज में जाने के बाद एक महीने तक नहीं निकलना है या फिर रैगिंग वाला सिस्टम इस टाइप में कुछ होता है ना तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं यहाँ पर फर्स्ट ईयर वालों का हॉस्टल भी सीनियर्स के साथ ही रहता है तो उनकी निकलने की भी प्रॉब्लम नहीं होती है वो कितने भी रात को कितने बजे घूमे और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर जो है वो 24 घंटे खुला रहता है और सातों दिन मतलब 24 फोर इंटू सिस्टम है वो वहाँ पर अनलिमिटेड वाईफाई रहता है यूज़ करो जो भी करना हो और बाकी खेल कूद के मामले में तो है ही बस स्विमिंग निगेटिव पॉइंट में आ जाता है कि वहाँ पर स्विमिंग पूल नहीं है और बाकी सारी चीज़ें हैं और कुछ निगेटिव पॉइंट्स की बात तो यही हो गया कि मतलब हमारे हॉस्टल थोड़ी सी लो है एज कम्पेयर टू ट्रिपल टी कोटा वालों के और मुझे हाँ वो मतलब ठीक है अभी वो चार पाँच साल वैसे तुम्हारा कुछ समय तक ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद हाँ। मिल जाएगा बच्चों को हाँ तो वो चीजें तो होती है यार देखो कुछ ना कुछ चीजें होती है हम लोग भी जब यूनिवर्सिटी में कॉलेज था तो, तो हम लैक कर रहे थे हाँ। ये अलग है कि कॉलेज में अपने कॉलेज से ज़्यादा दूसरे कॉलेज के प्रायोरिटी दी है तो हाँ। ट्रौलागा। हाँ। ट्रौलागा टी कोटा वाला स्टूडेंट को देख रहा है वीडियो की लेना है। तो उसके हाँ। हाँ। लिए खुश हो जाओ तुम कैनआईटी जयपुर वालों से अच्छी तुम्हें ओके कहते हॉस्टल वगैरह मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और तुम कॉलेज वाले स्टूडेंट जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो हाँ मतलब बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर स्टूडेंट्स को टॉप टेन जो एन आई टी हैं टॉप टेन नहीं मैं बोलूँगा टॉप सेवन एन आई टी में अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ऊपर मिल रहा है मतलब अगर एम एन आई टी जयपुर में मैकेनिकल उनको मिल रहा है और बाकी आ, उसमें इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो वो मे बी इलेक्ट्रिकल प्रेफर कर सकते हैं और इसका मैकेनिकल भी प्रेफर कर सकते हैं बट वहाँ का अगर मैकेनिकल में जा रहे हैं टॉप सेवन के बाद वालों की मैं बात कर रहा हूँ टॉप सेवन के बाद तो वो यहाँ की सिविल ले सकते हैं केमिकल ले सकते हैं मतलब ऐसा होता है ना कि उनको एक जैसे कोई कोई स्टेशन है स्टेशन पे अगर ट्रेन बहुत सारी आ रही है मुझे मैं तैयार हूँ जाने के लिए तो मैं जा सकता हूँ आराम से बट अगर मैं तैयार हूँ और मेरा लोकल स्टेशन है वहाँ ट्रेन ही नहीं आएगी तो फिर मैं क्या करूँगा तो जस्ट इसी लाइक कॉलेज अगर अच्छा रहा हम तैयार रहें तो अच्छे प्लेसमेंट होंगे अगर हम तैयार होकर भी कॉलेज खराब लिए हुए हैं तो फिर वहाँ पर गाड़ी ही नहीं आएगी तो हमारा प्लेसमेंट कैसे होगा तो ये बात है कि अगर टॉप सेवन के बाद अगर अपने को मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल किसी और कॉलेज में मिल रहा है तो हम यहाँ पर स्विच कर सकते हैं थोड़ी लोअर ब्रांचेज में मैंने आई जयपुर में तो यार अभी नए हो तो आप लोग चैनल को अभी कॉलेज ऑप्शन को सब्सक्राइब करो क्योंकि इनका अप्रोच काफ़ी अच्छा रहता है ये जस्ट नॉलेज किसी और से लेते हैं बढ़िया तरीके से पूरी फुल जानकारी लेकर के आपके बीच शेयर करते हैं तो ये एक कठिन काम होता है किसी भी आदमी के लिए पूरी ब्रीफ नॉलेज पूरी अच्छे तरीके से नॉलेज देना तो इनकी मेहनत को सफल बनाओ यार चैनल को अभी नए हो तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करना थैंक यू मतलब इतने वार्म वर्ड्स के लिए और तुम इसका एक हाँ <coughs> तो यार तुम लोग भी हमारा दीपक शुक्ला के चैनल देख सकते हो दीपक और मैंग काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं तभी मेरे मतलब वीडियो रिकमेंड हुई थी तो मैंने देखा था तो मैंने वीडियो देखती मैंने तो दे यार कोलैब करना चाहिए मुझे इसलिए मैंने पिछले तीन चार महीने पहले मैंने बोल दिया था मैसेज कर दिया कि हम लोग आने वाले टाइम पर एक कोलैब वीडियो बनाएंगे और अभी वापस मैं सोच रहा हूँ कि एक और वीडियो आनी चाहिए मैं यही सोच रहा था कि हम चारों भाई इधर दो भाई इधर और दो भाई उधर से वीडियो बनाए और आपस में बातचीत करें तो काफी इंटरेक्टिव सेशन मेरे हिसाब से रहेगा हाँ। और आप लोगों को भी पसंद आएगा वो वीडियो बिल्कुल बिल्कुल तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे कोला वीडियो आए क्योंकि काफी सही रहेगा ऐसा मतलब काफी कम केस होता है कि दो भाई मिलकर मना रहे हो हमारे केस में काफी कुछ सेम है हाँ। इसलिए मैं चाह रहा हूँ एक और वीडियो आए हमारे बीच तो एक दो महीने में आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारी तरफ से एक और वीडियो आ रहा होगा बिल्कुल और वहाँ पे आप लोगों के डाउट वगैरह जो आपके डाउट है वो कमेंट कर सकते हो हाँ। बाकी वो सारे डाउट्स के क्वेश्चन के भी जवाब वहाँ पे उस वीडियो में मिल जाएगा हमारा और बाकी कुछ डाउट हो आपका नाइटी जयपुर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो जाके मैं इनके चैनल का लिंक दे दूंगा आप वहाँ पर आके आप इनसे मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो बिल्कुल तो थैंक यू दीपक इस वीडियो में आने के लिए और अपना फीडबैक लोगों को शेयर करने के लिए थैंक यू सूरज भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना सब लोग और बेल आइकन दबा देना और सब्सक्राइब कर देना